हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्राइवेट एड्रेसेस, पब्लिक एड्रेसेस एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। दोस्तों, इंटरनेट में जितने भी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस के तौर पे एलोकेट किया गया है और बाकी के जो एड्रेसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक एड्रेसेस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मेकिंग फ्यू एड्रेसेस एज प्राइवेट एड्रेस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दैट, एंड वी विल आल्सो लर्न दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू डिफरेंट एड्रेसेस लाइक प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेसेस। मोरओवर, वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न द मैपिंग ऑफ प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन दिस लेक्चर। तो आए पहले देखते हैं, अगर आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस जानना हो तो आप सभी ने ये चीज की होगी। यू माइट हैव ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड यू माइट हैव टाइप्ड दिस कमांड आईपी कॉन्फ़िग। दोस्तों, जब आप ये कमांड टाइप करते हो आईपी कॉन्फ़िग, इट शोज यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट? तो यहाँ पर मैंने मेरी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा हुआ है, जहां पर ये मुझे बताता है, मुझे IPv6 एड्रेस भी दिखाता है और IPv4 भी दिखाता है। IPv6 हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं IPv4 एड्रेस पे। सो व्हाट एड्रेस आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग 192.168.43.4 एंड इट इज ऑल्सो शोइंग मी द सबनेट मास्क दैट इज 255.255.255.0 एंड द गेटवे इज 192.168.43.1, राइट? वी आर मोर कंसर्न विद द आईपी एड्रेस। द आईपी एड्रेस इज 192.168.43.4। अब दोस्तों, आप इसी सिस्टम पे बैठकर अगर गूगल में आप टाइप करो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, देन द आंसर ऑफ गूगल विल नॉट बी सेम एज दिस। द आंसर ऑफ गूगल माइट बी समथिंग लाइक दिस। देखो, मैंने यहाँ पर गूगल पे टाइप किया व्हाट इज माय IPv4 एड्रेस एंड द आंसर आई एम गेटिंग इज 130.105.213.2 और यहाँ पर गूगल ने बताया है दिस इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। तो दोस्तों, आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ये जो गूगल आपको आंसर देता है दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस, वेरेस यहाँ से जो हमें आंसर मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट से दैट इज आर प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या चीज है, आइए देखते हैं। सो अ प्राइवेट आईपी एड्रेस समटाइम्स कॉल्ड लोकल आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेसेस व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर यूज ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। मतलब हमारी जो एक लैन होती है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर जो हम कुछ सेट ऑफ एड्रेसेस यूज कर सकते हैं उसे हम प्राइवेट एड्रेसेस बोलते हैं। इन प्राइवेट एड्रेसेस को हम उस लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर कहीं पे यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस डिवाइसेस कांट बी एक्सेस्ड बाय डिवाइसेस आउटसाइड देयर ऑन नेटवर्क, दे आर इफेक्टिवली इनविजिबल एक्सेप्ट टू ईच अदर। मतलब आप एक लैन इमेजिन करो, एक लोकल एरिया नेटवर्क इमेजिन करो, उसमें अगर आपने ये प्राइवेट एड्रेसेस दिए हुए हैं तो बाहर की, उस नेटवर्क के बाहर की जो सिस्टम है वो डायरेक्टली उस लैन के सिस्टम से बात नहीं कर सकती। हाँ, उस लैन के अंदर जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ बात कर सकती है, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली, बट उस लैन की बाहर की जो सिस्टम है, दूसरे लैन के सिस्टम है या दूसरी कोई पब्लिक आईपी एड्रेस वाली सिस्टम है, दैट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सिस्टम्स इनसाइड योर नेटवर्क। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस का एलोकेशन आप करते हो, देन इट गिव सिक्योरिटी टू योर सिस्टम। अब ये कैसे होता है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये कौन कौन से एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस करार दिया गया है। तो दोस्तों, क्लास ए के जो एड्रेसेस है उनमें से 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255, ये जो पूरा ब्लॉक है इसे प्राइवेट एड्रेसेस के तौर पे एलोकेट किया है। क्लास बी में से 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 तक का जो ब्लॉक है उसे प्राइवेट एड्रेसेस के तौर पे एलोकेट किया है, और क्लास सी में 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 ये जो पूरा ब्लॉक है इसे प्राइवेट एड्रेस के तौर पे एलोकेट किया गया है। मतलब आप इनमें से किसी भी रेंज के एड्रेसेस को आपके
लैन के सिस्टम को एलोकेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो ये एड्रेस मिला, यू कैन अंडरस्टैंड 192.168.43.4, दैट एड्रेस फॉल्स इन दिस रेंज, दैट इज माय प्राइवेट एड्रेस, वेयर एज द एड्रेस विच आई गॉट फ्रॉम गूगल, दैट इज 130 पॉइंट समथिंग, 130 पॉइंट समथिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज नथिंग बट पब्लिक एड्रेस, राइट? सो व्हाट आर पब्लिक एड्रेसेस? पब्लिक एड्रेसेस आर नथिंग बट दोज एड्रेसेस विच आर नॉट प्राइवेट। दिस पब्लिक आईपी एड्रेस इज द एड्रेस दैट इज असाइन टू अ कंप्यूटिंग डिवाइस टू अलाउ डायरेक्ट एक्सेस ओवर द इंटरनेट, अ वेब सर्वर और ईमेल सर्वर और एनी सर्वर डिवाइस डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट आर कैंडिडेट फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस। एंड अ पब्लिक आईपी एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक एंड कैन ओनली बी असाइन टू अ यूनिक डिवाइस। तो दोस्तों ये खास चीज आपको ध्यान में रखनी है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है, आपने किसी एक सिस्टम को पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है तो पूरे इंटरनेट में, पूरे वर्ल्ड में दूसरी किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस वो नहीं हो सकता। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस आपने आपकी किसी सिस्टम को दिया है तो उसी नेटवर्क की दूसरी सिस्टम को आप वो आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी लेन की किसी सिस्टम को आप वो आईपी एड्रेस दे सकते हो। दोस्तों आप मानो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो, मान लो आप आपकी कॉलेज की किसी सिस्टम में जाकर के आप आईपी कॉन्फिग कमांड टाइप करोगे, यू माइट बी गेटिंग दिस आंसर 192.168.1.33, राइट? आप किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में जाओ और उसकी कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर अगर आप आईपी कॉन्फिग कमांड टाइप करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, देन यू माइट गेट द सेम आंसर 192.168.1.34। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर रीयूजेबल, ऑफ कोर्स दिस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कैन बी रीयूज्ड विद इन अ लैन, बट अक्रॉस द लैन दिस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कैन बी यूज्ड, वेयर एज पब्लिक आईपी एड्रेसेस कैन नॉट बी रीयूज्ड, दैट मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, राइट? तो ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए आए ये डायग्राम को समझते हैं। दोस्तों ये मेरी एक लैन है, मेरी लैन मतलब उसमें कुछ सिस्टम्स होती है, वो सिस्टम्स एक स्विच के साथ कनेक्टेड होती है और वो स्विच एक राउटर के साथ कनेक्टेड होती है। तो इतना जो पार्ट है, ये जो ग्रे शेडेड पार्ट है, दैट इज माय लैन। तो इस लैन की जितनी भी सिस्टम्स है उनका आईपी एड्रेस मैं प्राइवेट दे सकता हूँ, राइट? अब ये जो राउटर है इसके दो इंटरफेस हैं, एक है ये इंटरफेस जो स्विच के साथ से हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो इंटरफेस है वो रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे राउटर का जो इंटरफेस हमारी लैन के अंदर है उसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे, और दैट इज आर गेटवे एड्रेस, हमने देखा है। लेकिन हमारे राउटर का जो इंटरफेस हमें इंटरनेट के साथ, रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, उसको जो हम एड्रेस देंगे वो एड्रेस होगा पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट? तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस सिस्टम को आईपी एड्रेस दिया है 172.18.3.1, इसको 3.2, इसको 3.20, और इस गेटवे को मैंने दिया है 3.30, राइट? अब हम समझते हैं कि मानो मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ, मान लो आप इस सिस्टम पे बैठे हो और इस सिस्टम पे बैठकर आप टाइप करते हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आईपी कॉन्फ़िग, देन यू विल गेट दिस आईपी एड्रेस 172.18.3.1। पर इसी सिस्टम पे बैठ के आप अगर गूगल को पूछते हो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो गूगल आपको ये आंसर देगा। व्हाट आंसर गूगल विल गिव? द गूगल विल गिव आंसर दिस, योर पब्लिक आईपी एड्रेस इज 200.24.5.8। अब आप दूसरे सिस्टम पे बैठ जाओ, मानो आप इस सिस्टम पे बैठे हो, इफ यू टाइप कमांड आईपी कॉन्फ़िग इन कमांड प्रॉम्प्ट, देन यू विल गेट दिस आंसर 172.18.3.2। इसी सिस्टम पे बैठ के आप गूगल को पूछो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, अगेन द गूगल विल गिव यू दिस आंसर, योर पब्लिक आईपी एड्रेस इज 200.24.5.8। सिमिलरली फॉर दिस सिस्टम, राइट? तो गूगल हमें जो आंसर देता है वो ये आंसर देता है, वो ये आईपी एड्रेस हमें देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मेरी नेटवर्क की सिस्टम्स बाहर के इंटरनेट के साथ बात करने जाती है तो
एक्चुअली ये हमारा जो ये राउटर है वो एक्चुअली बाहर की दुनिया के साथ बात करता है और फिर हमें वो आंसर ला करके देता है, राइट? सो दिस आर माय प्राइवेट एड्रेसेस एंड दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस। तो दोस्तों आइए देखें प्राइवेट पब्लिक एड्रेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है एक एग्जांपल से। सो अज्यूम कि आप इस सिस्टम पे बैठे हो एंड यू आर टाइपिंग इन गूगल दैट व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, और दूसरी सिस्टम पे दूसरा बंदा बैठकर टाइप करता है व्हाट इज प्राइवेट एड्रेसेस, राइट? सो द क्वेरी रीचेस टू द गूगल। व्हाट विल हैपन व्हेन आवर पैकेट ट्रेवल्स फ्रॉम डिवाइस टू राउटर, हमारी इस डिवाइस से राउटर तक पैकेट पहुंचेगा, तब सोर्स आईपी एड्रेस होगा ये वाला 172.18.3.1 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा हमारे गूगल का दैट इज 100.100.100.100 और डेटा क्या है दैट इज व्हाट इज माय आईपी। सिमिलरली इसका जो पैकेट होगा वो यहां से यहां तक ट्रैवल करेगा, तो सोर्स आईपी एड्रेस होगा 172.18.3.2, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा गूगल का और ये होगा उसका डेटा। अब ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को जब वो आगे भेजेगा तब इस सोर्स एड्रेस को रिप्लेस करके वो अपना खुद का एड्रेस डालेगा, राइट? सो व्हेन आवर पैकेट रीच गोज फ्रॉम राउटर टू गूगल द सोर्स आईपी एड्रेस वुड बी 200.24.5.8 इन बोथ ऑफ द केसेस, राइट? तो अब ये वाला पैकेट गूगल के पास आया, गूगल ने इन दोनों का आंसर ढूंढा और उसे एक पैकेट में वापिस भेजा। जब गूगल ने पैकेट भेजा सो द पैकेट फ्रॉम गूगल टू राउटर वुड लुक समथिंग लाइक दिस, उसमें सोर्स एड्रेस कौन सा होगा गूगल का दैट इज 100.100.100.100 और डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होगा हमारे इस राउटर का पब्लिक एड्रेस दैट इज 200.24.5.8। अब एक पैकेट में व्हाट इज माय आईपी का आंसर होगा और दूसरे पैकेट में व्हाट इज प्राइवेट एड्रेस उसका आंसर होगा। नाउ हियर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अब ये राउटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि कौन सा पैकेट किस डिवाइस का है, उसे ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस वो वाला पैकेट है डिवाइस 3.1 का एंड व्हाट इज माय प्राइवेट एड्रेस ये पैकेट है डिवाइस 3.2 का, राइट? आप देखिए समझिए कि ये राउटर है और राउटर के पास तीन ही लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। राउटर कैन नॉट रीड दिस डेटा क्योंकि राउटर के पास एप्लीकेशन लेयर नहीं होता है, सो राउटर कैन अंडरस्टैंड ओनली दिस टू थिंग्स, राइट? तो अब दोनों पैकेट में ये दोनों चीज तो कॉमन है, सो हाउ राउटर वुड डिफरेंशिएट कौन सा पैकेट कौन सी डिवाइस के लिए है, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो उसके लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसीजर यूज होती है और उसके लिए सोर्स एड्रेस और सोर्स पोर्ट का यूज होता है, राइट? सो हियर इज द थिंग। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस लिया था, अब हम आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट एड्रेस भी लेंगे, राइट? तो मान लो जो इस डिवाइस ने पैकेट जनरेट किया है उसका सोर्स पोर्ट है 3070 और गूगल का पोर्ट नंबर है 80, राइट? सो दिस फर्स्ट कॉलम इज फॉर सोर्स आईपी एड्रेस, सेकेंड कॉलम इज सोर्स पोर्ट एड्रेस, थर्ड कॉलम इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फोर्थ कॉलम इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस एंड द फिफ्थ कॉलम इज डेटा, राइट? तो जब डिवाइस से राउटर तक डेटा आएगा, हमारा पैकेट आएगा, तब उसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, राइट? ये हमने रेंडमली एक एग्जांपल के तौर पे ये पोर्ट एड्रेसेस लिए हुए हैं। अब ये दो पैकेट जब मेरे राउटर के पास आते हैं, मेरा राउटर क्या करेगा, उसका अपना खुद का एक टेबल बनाएगा और उस टेबल में ये चार एंट्रीज होगी। एक एंट्री होगी कौन सी डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है, उसका पोर्ट एड्रेस क्या था, मेरी डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है और ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा राउटर क्या करेगा, ये जो पैकेट में ये जो सोर्स आईपी है वो तो हमने देखा दैट सोर्स आईपी विल बी चेंज एंड आर राउटर विल पुट इट्स ऑन आईपी एड्रेस दैट इज ये 200.24.5.8। लेकिन मेरा राउटर हर एक पैकेट के लिए एक यूनिक पोर्ट नंबर जनरेट करेगा और मान लो ये यूनिक पोर्ट नंबर ये इस वाले पैकेट के लिए 5001, तो ये एंट्री उसके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल में करेगा और ये 5001 की एंट्री यहाँ पर होगी ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में दैट इज 5001।
अभी मैंने आपको बताया कि राउटर इज नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो उसके अंदर सिर्फ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ही होते हैं। और अभी मैंने बोला कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में जो सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है वो चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन को जो इंटरनेट के गुरुज हैं उन्होंने अलाउ किया है, राइट, टू हैव दिस प्राइवेट पब्लिक एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये एंट्री उसने अपने टेबल में की। अब जो ये दूसरा पैकेट आया, इस दूसरे पैकेट के लिए उसने दूसरा पोर्ट नंबर जनरेट किया। तो मेरा राउटर ऐसा ही पोर्ट नंबर जनरेट करेगा जो कि अभी किसी को अलोकेट नहीं किया है। तो मान लो उसने पोर्ट नंबर जनरेट किया है 5002, राइट। सो नाउ इस वाले पैकेट के लिए, पहले पैकेट के लिए ये सोर्स आईपी एड्रेस होगा और ये सोर्स पोर्ट होगी, दूसरे वाले पैकेट के लिए ये सोर्स आईपी होगा और ये सोर्स पोर्ट होगा, और ये चीज गूगल के पास जाएगी। जब ये चीज गूगल के पास जाती है तब गूगल आंसर क्या देगा, गूगल के आंसर में क्या होगा, गूगल जो आंसर देगा उसके पैकेट में सोर्स आईपी होगा गूगल का, सोर्स पोर्ट होगा गूगल का, डेस्टिनेशन आईपी होगा ये वाला और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ये 5001। और इसके केस में दूसरे वाले पैकेट में डेस्टिनेशन पोर्ट होगा 5002 वाला, राइट। तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज माय आईपी का आंसर 5001 वाले पोर्ट में, एंड व्हाट इज प्राइवेट एड्रेस का आंसर है 5002 वाले पोर्ट। जब ये पैकेट हमारे राउटर के पास आता है, गूगल की ओर से हमारे राउटर के पास आता है, तो हमारा राउटर अपना एनएटी टेबल चेक करेगा। वो चेक क्या करेगा कि 224.5.8 और 5001 वाली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस वाला पैकेट आए तो उसको मुझे भेजना है इस डिवाइस को और इस पोर्ट को, और 200.24.5.8 आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में हो और पोर्ट एड्रेस 5002 हो, ऐसा कोई पैकेट आए तो उसमें मुझे डेस्टिनेशन करना है 3.2 वाला और पोर्ट लिखना है 4500 वाला। तो जब वो गूगल का पैकेट, ये वाला जो गूगल का और से जो आंसर आया है वो जब राउटर के पास आता है, तो राउटर अपने एनएटी टेबल के ऊपर से ये जो डेस्टिनेशन वाली एंट्री है वो चेंज करके ये डाल देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो देख सकते हो 224.5.8 5001 हैज बीन रिप्लेस बाय 172.18.3.1 3070, और 224.5.8 5002 हैज बीन रिप्लेस बाय 172.18.3.2 4500, राइट। तो अब ये पैकेट आगे जाएगा और ये पैकेट 3.1 वाली डिवाइस को ही पहुंचेगा, और उसमें भी 3070 एप्लीकेशन जिसने ये क्वेश्चन जनरेट किया था उसी को मिलेगा, और ये पैकेट 3.2 को ही डिलीवर होगा, और उसमें भी 4500 पोर्ट एड्रेस वाली जो एप्लीकेशन है उसी को ये पैकेट डिलीवर होगा। व्हाई वी नीड प्राइवेट एड्रेसेस, तो एक तो इसका एडवांटेज मैंने आपको बताया दैट इट इंक्रीजेस सिक्योरिटी ऑफ होस्ट सिस्टम। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों, ये जब चीजें पिक्चर में आई काफी साल पहले की बात है, दैट एट दैट टाइम देयर वाज डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेस स्पेसेस। हमने देखा है कि क्लास ए में काफी सारे एड्रेसेस वेस्ट होते हैं, क्लास बी में भी वेस्ट होते हैं, तो उस वक्त काफी एड्रेसेस वेस्ट होते थे, एंड साइंटिस्ट हैव थॉट कि कुछ टाइम के बाद ये सारे आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाएंगे। अगर हम पूरी स्पेस के बारे में देखें देन 2 रेस टू 32 इज नथिंग बट 4 बिलियन, और उनमें से भी काफी सारे एड्रेसेस वेस्ट हो जाते हैं, राइट। सो इंटरनेट गुरुज हैज डिसाइडेड टू रिजर्व अ सर्टेन सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट विल नॉट गेट रूटेड ऑन द इंटरनेट, एंड दिस एड्रेसेस आर नथिंग बट पब्लिक प्राइवेट एड्रेसेस, एंड दिस प्राइवेट एड्रेसेस कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सो दिस इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF लाउडली ऑब्जेक्ट टू एनएटी। मतलब पहले उन्होंने नहीं सॉल्यूशन दिया कि भी आप एनएटी यूज करो, लेकिन ये सॉल्यूशन क्यों पिक्चर में आया था, ताकि उस वक्त देयर वाज अ डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस, राइट। लेकिन नाउ दिस IETF ऑब्जेक्ट टू यूज एनएटी, बिकॉज जो आईपी एड्रेस डिप्लेशन का जो इश्यू था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि नाउ डेज IPv6 एड्रेसेस आर बीइंग यूज्ड, एंड IPv6 एड्रेस की लेंथ है 128 बिट्स,
So you can have 2:128 different combinations, right? So 100 साल तक ये IPv6 के addresses खत्म नहीं होंगे, right? And what are the disadvantages of using NAT? Let us try to understand. That port numbers are meant to be used for addressing processes. हमने देखा है, हर एक process का एक port number होता है, right? So these port numbers are meant to be used for processes, not for addressing hosts. हमने यहाँ पर देखा that these port numbers are used for addressing hosts. कि 5001 वाला port address मैं इस host के लिए allocate करता हूँ, 5002 वाला इसके लिए, अब दूसरा कोई करेगा तो उसके लिए मैं तीसरा कोई port number generate कर दूँगा, random port number, right? Next, routers are supposed to process packets only up to layer 3. दोस्तों हमने समझा है कि router में सिर्फ तीन ही layer होते हैं, physical layer, data link layer, network layer. और port numbers कौन से layer पे होते हैं? Transport layer पे. अब हमने यहाँ पर देखा कि ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पर सोर्स ने जो पॉड नंबर बनाया हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको यहाँ पर टेबल में स्टोर करेगा और अपना खुद का नया पॉड नंबर बनाकर यहाँ पर स्टोर करेगा. मतलब ये राउटर्स ट्रांसपोर्ट लेयर के पॉड नंबर्स को रीड करके उसे रिप्लेस करते हैं, एंड दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल रूल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट. द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज the NAT protocol violates the so-called end-to-end argument. That is, hosts should be talking directly with each other without interfering nodes modifying IP addresses and port numbers. Right? मतलब यहाँ से जो generate होकर के गया है, मान लो Google के पास जाता है, तो वही चीज without being modified Google के पास पहुँचनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये जो router है, वो source IP address भी replace करता है और source port number भी replace करता है. And that is why this Internet Engineering Task Force object to this network address translation or suggestions. What they are saying that IPv6 are on the floor, use it, right? तो आप अगर अभी किसी नए सिस्टम पे बैठकर आप if you type what is my IPv4 address, if you ask this question to Google, then Google will give you this address. It will not give you something like 130.134.28.76. It will give this. Now, what is this? This is nothing but IPv6 address, right? So I hope आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी कि private addresses क्या है, public addresses क्या है, और कैसे private address का public address पे conversion होता है, और कैसे public का private address पे conversion होता है. इस पूरे conversion को बोलते हैं network address translation. और ये जो network address translation का जो logic होता है, वो हमारे gateway वाले जो routers होते हैं, वहाँ पर हम store करते हैं. आइडियली होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी सिक्योरिटी कंपनी, जो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उस कंपनी से हम ये सिक्योरिटी सर्विसेज मांगते हैं, उस वक्त बाय डिफॉल्ट ये जो एनएटी की सर्विस होती है वो इनबिल्ट हमें वो सर्विस वो कंपनी देती है हमारे गेटवे के लिए, राइट. सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.